बेशक इजरायली सेना एक के बाद एक बड़े हमले कर रही है, लेकिन यह सच है कि हिजबुल्ला इजरायल के खूनी हमलों के सामने जरा भी झुकने को तैयार नहीं। और यही वजह है कि हिजबुल्ला ने दक्षिणी इजरायल पर इतना भीषण रॉकेट हमला किया कि इजरायल की हालत खराब हो गई। पूरे इजरायल में सायरन बज रहे हैं। अक्टूबर जैसा खूनी हमला, हिजबुल्ला का रॉकेट युद्ध। पिछले दो हफ्ते से इजरायली सेना लेबनान से लेकर सीरिया तक हिजबुल्ला के ठिकानों पर बेहद खूनी और खौफनाक हमले कर रही है। महज 72 घंटे के अंदर इजरायल ने हिजबुल्ला के 40 ठिकानों पर हमला करके आधे से ज्यादा टॉप कमांडर मार डाले हैं। लेकिन अब हमले से बौखलाए हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ने इजरायल में घुसकर ऐसे हमले करवाए हैं कि इजरायल हिजबुल्ला के हमलों से कांप गया है। इजरायली मीडिया ने खुद माना है कि हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इजरायल पर रॉकेटों से भीषण हमला किया है। हिजबुल्ला के दावों के मुताबिक रात के वक्त हिजबुल्ला ने दक्षिणी इजरायल के इलाकों पर रॉकेट से हमले किए हैं। हालांकि इजरायल की आईडीएफ दावा कर रही है कि हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों को काफी हद तक नाकाम कर दिया गया है। इजरायली सेना के आयरन डोम ने हवा में भी हिजबुल्ला के रॉकेट तबाह कर दिए हैं, लेकिन हिजबुल्ला का दावा है कि उसके रॉकेट हमले में इजरायल को भारी नुकसान हुआ है, जिसे इजरायल छिपाने की कोशिश कर रहा है। खौफ में इजरायल, 40 हमलों का बदला। अब आप ये भी जान लीजिए कि हिजबुल्ला के खौफनाक हमलों से इजरायल क्यों घबराया हुआ है। हाल में इजरायल ने डंके की चोट पर कहा था कि उसने हिजबुल्ला का सफाया कर दिया है। इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्ला लड़ाकों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। इजरायल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने दावा किया है कि ईरान के हमलों में मदद करने वाले हिजबुल्ला के आधे से ज्यादा कमांडर इजरायली सेना अब तक मार चुकी है। इजरायल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट के मुताबिक इजरायल की आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। कुछ दावों के मुताबिक कमांड सेंटर में हिजबुल्ला के टॉप कमांडर मौजूद थे, जिन पर इजरायल ने पहले मिसाइलों से हमले किए और फिर फाइटर जेट से हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायल का दावा है कि इजरायल के इस हमले में आधे से ज्यादा हिजबुल्ला के टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। ये वो कमांडर थे जो लगातार ईरान की मदद इजरायल पर हमला करने में कर रहे थे। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के इस बेहद खूनी हमले से ईरान, हूती और हमास बुरी तरह बौखला गए। התוצאות המבצעיות הן מרשימות מאוד. מחצית ממפקדי חיזבאללה בדרום לבנון חוסל. אלה האנשים שהיו אחראים על הפעולה ההתקפית, על הרצון לפגוע באזרחי מדינת ישראל. אנחנו גרמנו לכך שאו שהם מתים. अब सवाल उठता है कि अगर इजरायल के दावे के मुताबिक भीषण हमले में हिजबुल्ला को भारी नुकसान हुआ है, तो उसका असर हमास और ईरान पर क्या पड़ेगा। अगर देखा जाए तो इस वक्त इजरायल की सेना ने एक बार फिर से हमास की सफाई के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रखा है। मिस्र की सीमा पर मौजूद रफा शहर में गाजा के लगभग 23 लाख लोग रहते हैं, जिनके बीच हमास लड़ाके भी मौजूद हैं, जो हिजबुल्ला की मदद से इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। लेकिन अब हिजबुल्ला के तबाह होने से हमास पर सीधा असर पड़ेगा। हम आपको ये भी बता देते हैं कि इजरायल हिजबुल्ला के सफाए पर क्या दावा कर रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट के दावों के मुताबिक आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया है। दावे के मुताबिक आईडीएफ के भीषण हवाई हमलों में हिजबुल्ला के 40 ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। आईडीएफ के 40 हमलों में हिजबुल्ला के आधे से ज्यादा टॉप कमांडर्स के मारे जाने का दावा किया गया है। आईडीएफ का यह हमला ऐता अल शाब के पास किया गया है। ऐता अल शाब और आसपास के गांवों पर 13 से ज्यादा हवाई हमले इजरायली सेना ने किए हैं, जिसमें हिजबुल्ला के स्टोरेज
और हथियारों की फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्ला ने उन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है जहां से इसराइल पर हमला करने की तैयारी चल रही थी। इधर हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसने इसराइल से बदला लेने के लिए उत्तरी इसराइल के सीमावर्ती गांव पर दर्जनों कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। बेशक ईरान समर्थित हिजबुल्ला को तगड़ी चोट इसराइल ने पहुंचाई हो, लेकिन हिजबुल्ला को खत्म करना इतना भी आसान नहीं है। ईरान हिजबुल्ला को और ताकतवर बनाकर हमले करवा रहा है। यही वजह है कि कमांडरों के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्ला ने इसराइल पर रॉकेटों की बौछार कर दी। हिजबुल्ला ने दक्षिणी इसराइल पर रॉकेटों की बौछार करके इसराइल से बदला लिया है। हिजबुल्ला के दावों के मुताबिक उसने 30 से ज्यादा रॉकेट दक्षिणी इसराइल पर दागे हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि हिजबुल्ला के लड़ाकों ने दक्षिणी इसराइल पर हमला करने के लिए कत्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल किया है। हिजबुल्ला का रॉकेट हमला इसराइल से अपने कमांडरों की मौत का बदला माना जा रहा है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ने धमकी देते हुए कहा है कि अभी हमने अपना मुख्य हथियार नहीं निकाला है, जिस दिन निकालेंगे इसराइल का विनाश हो जाएगा। الاساسي بعد ما طلعنا القوات الاساسيه بعد ما استخدمناها لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملين نحن الشباب بيشتغلوا بالجبهه خدمه اجازه يعني بيروح بيخدم وقته بيرجع على بيته بيطلع بديله بيخدم وقته بيرجع على بيته وهكذا ومع ذلك عاملين الانجازات المعموله بالشمال اللي سالوا الاسرائيليين عنها। हिजबुल्ला की ताजी खूनी धमकी को इजरायली सेना जरा भी हल्के में नहीं ले रही है। 7 अक्टूबर से इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है। लेबनान से हिजबुल्ला की तरफ से लगातार हमले इजरायल पर हो रहे हैं। ये हमले उस वक्त बेहद तेज हो गए जब ईरान ने 13 अप्रैल को 350 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से इजरायल पर हमला किया था। ईरान ने 60 टन से ज्यादा बारूद का इस्तेमाल इजरायल पर हमला करने में किया था। हालांकि इजरायल ईरान के खूनी हमले से तो बच गया, लेकिन हिजबुल्ला ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए। इधर इजरायली पलटवार में लेबनान में अब तक 380 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें ज्यादातर हिजबुल्ला के लड़ाके हैं। अब इसराइल के साथ दिक्कत ये है कि वो थ्री फ्रंट वॉर के बीच घिर गया है। एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ हिजबुल्ला और तीसरी तरफ हूथी है जो इसराइल पर समंदर के जरिए हमले कर रहा है। अमेरिका इसराइल पर हूथी का हमला। जिस वक्त इजरायली सेना गाजा और रफा में चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मार रही थी, उस वक्त हिजबुल्ला उत्तरी इसराइल पर लेबनान की तरफ से भीषण हमले कर रहा था। जिस वक्त इसराइल हिजबुल्ला के 40 ठिकानों पर हमला करके उसके आधे से ज्यादा टॉप कमांडर्स को मार रहा था, ठीक उसी वक्त लाल सागर में यमन के हूथी विद्रोही नौसेना मिसाइलों से अमेरिका और इसराइल के लड़ाकू युद्धपोत पर भीषण हमला कर रहे थे। मिडल ईस्ट और पश्चिम एशिया में इस वक्त इसराइल अमेरिका की शह पर कोहराम मचाए हुए है। लेकिन ये भी सच है कि ना तो हमास, ना हिजबुल्ला और ना ही हूथी के लड़ाके हमला करने से चूक रहे हैं, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान, जो इसराइल के वजूद को खत्म करने पर आमादा है। अब आप ये देखिए कि भारी हथियारों से लैस अमेरिका और इसराइल के जंगी जहाजों पर हूथी ने कैसे हमला किया है। ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने फिलिस्तीन और हिजबुल्ला पर हुए हमलों का बदला लाल सागर में लिया है। हूथी के दावे के मुताबिक हूथी ने मिसाइलों से अमेरिका और इसराइल के जंगी जहाजों पर हमला किया है। जानकारों के मुताबिक 2 हफ्ते बाद हूथी का ये पहला बड़ा हमला अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बताया जा रहा है। हूथी के मिसाइल हमले में अमेरिका और इसराइल के जंगी जहाजों को नुकसान की खबर है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि हूथी के मिसाइल हमलों को रोकने में अमेरिका और इसराइल की नौसेना नाकाम साबित हुई है। हूथी के इस हमले ने साबित कर दिया है कि ईरान समर्थित हूथी मिडल ईस्ट और पश्चिम एशिया में इसराइल और पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। हमास और हिजबुल्ला के लड़ाके जहां जमीन के जरिए ज्यादा हमले कर रहे हैं, तो वहीं हूथी विद्रोही समंदर के रास्ते हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हूथी विद्रोहियों पर पिछले 3 से 4 महीने में कई दर्जन भयानक हवाई हमले किए हैं। हूथी विद्रोहियों का आरोप है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन के करीब 424 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई दर्जन लोग मारे गए हैं। यही वजह है कि अब हूथी विद्रोहियों ने हमले तेज कर दिए हैं।
ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों के प्रवक्ता याया सारिया ने दावा करते हुए कहा कि लाल सागर में अमेरिका के दो जहाजों पर हमला किया गया है, जिसमें से एक जहाज अमेरिकी विध्वंसक है, जबकि इसराइल का एक क्रूज जहाज हूथी हमले का शिकार हुआ है। हूथी ने अमेरिका और इसराइल के जहाजों पर नौसैनिक मिसाइलों से हमला किया है। हूथी के दावे के मुताबिक उसके हमले में अमेरिकी जहाज मैस्क यॉर्कटाउन, अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी विध्वंसक और हिंद महासागर में इजरायली जहाज MSC वेरा क्रूज को निशाना बनाया गया है। فذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة ميرسك يوركتاون الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله। कुल मिलाकर गाजा युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया के युद्ध में बदल चुका है। इसराइल एक ऐसी जंग में फंस चुका है जिसके अंत की तारीख दूर दूर तक नहीं दिख रही है। ये जंग अब सर्वनाश के साथ ही खत्म होगी।